हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल है राजू भाई? बढ़िया बढ़िया सर। कैसा काम चल रहा है जी? काम ठीक चल रहा है सर। कस्टमर कैसा आ रहा है? कस्टमर ठीक आ रहा है सर। आज का जो कस्टमर आपके पास आया महाराष्ट्र से है जी? हाँ महाराष्ट्र कोल्हापुर संगली सर। कितनी गायें खरीदनी है इन्होंने? इसने सर अभी 30 तो भैंस लेने की है जी, 40 गायें लेने की है। आज कितनी खरीद ली है? आज सर 10 खरीदी है। ठीक है जी, पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं पहले भी आ चुके हैं। पहले क्या पशु लेकर गए थे? पहले गाय लेके गए थे 4 लोड़। 40 गाय 4 लोड़ का? हाँ। ठीक है जी, तो दोबारा फिर आके विश्वास का काम है मतलब, है ना फिर तो? हाँ जी हाँ जी। नहीं बढ़िया निकली गाय सर इसकी, दूध वाली गाय निकली। दोबारा तो किसान वही आएगा ना जो पहले सही पशु निकल जाएगा। हाँ पहले वीडियो देख के आए सर हमारे पास। ठीक है जी, फिर ऑनलाइन भी गाय इसकी गई है, अभी 1 साल बाद दोबारा फिर आए ऑनलाइन। गाय बीच में जाती रही इसके। आज की गाय कितने रेट वाली खरीद रहे हैं जी? आज का तुम रेट सर 75,000 की औसत मानो, और कोई मान लो 85 के लिए, कोई 65 के लिए। दूध दूध यानी 25 लेके 30 प्लस तक दूध है सर गाय का। ठीक है जी, अगर किसी किसान ने और ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो उनके पास ऑनलाइन भेज दोगे? हाँ भेज देंगे सर। जिम्मेवारी आपकी रहेगी रास्ते की और गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की? हाँ सर, वो तो अभी भी हमारी जिम्मेदारी है, जो मान लो इसकी गाय रखी है तो पहले भी गाय देते हैं इसको, अभी हमारी जवाबदारी है सारी घर पहुँचाने की जी। हाँ रास्ते में कोई गाड़ी वाला ख़राब करता है या कोई नौकर ख़राब करता है या कोई गाय ख़राब होती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो किसान भाइयों, ये कस्टमर हैं जो इनके पास आए थे महाराष्ट्र से, इनका कैसा अनुभव रहा, कैसा रेट मिल गया, कैसे पशु मिल गए, मंडी कैसी लगी, वो सब कुछ आपको बता देंगे। इनसे बात करते हैं और इनका अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है जी? हाँ ठीक है। क्या नाम है जी अपना? अपना शिवाजी पाटिल है, हम सांगली डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से आए। कितनी गायें खरीद रहे हो यहाँ से? अभी 20 ले रहे, पहले 40 ले आए। जो पहले 40 गायें लिया था वो जितना जितना दूध इन्होंने बोला था उतना उतना निकला? हाँ निकला निकला, अच्छा है सब गाय। ठीक है, तो अब भी फिर बड़ी गायें खरीद रहे हो 30-35 वाली? हाँ। कैसा रेट लगा इन गाय का? है हमारे से अच्छा है इधर। ठीक है, और सभी गाय मंडी से खरीद रहे हो? हाँ सभी मंडी से ले। मंडी डब वाली आपको कैसी लगी? अरे बढ़िया का इंतजाम अच्छा है सब। कोई इंतजाम में कमी लगी हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कोई अच्छा कमी है। नहीं है? नहीं नहीं सब अच्छा। ठीक है, और इनका डीलिंग करने का अंदाज कैसा लगा? अच्छा है, हमारे से पूछ के ये सब कर ले, जो सौदा होता था आमने सामने होता था, आमने सामने होता है, गाय के हिसाब से होता है। ठीक है, मतलब तसल्ली है कि जो पशु दिलाएंगे सही दिलाएंगे? सही दिलाएंगे, इनके पास बिंदास आके कर सकते हैं कोई। अभी गाय का बैकग्राउंड बता दो, ये गाय कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे में सर। ठीक है, गाबन है जी? ये गाबन है सर। कितने दिन ले जाएगी ये? अभी ले जाएगी सर 10 रोज ले जाएगी। और दूध क्या देगी जी? दूध 30+ देगी। 30+ गारंटी है? गारंटी है सर। ठीक है जी, और किस रेट पे जा रही है महाराष्ट्र? ये सर 85,000 में जा रही है। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, 85,000 में ये गाय यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र जा रही है। अभी 51 गाय है, गाय की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। 30 लीटर प्लस दूध करेगी, जो गाय के मालिक कह रहे हैं कि 30 लीटर दूध प्लस की गारंटी है उनकी। और ये गाय यहाँ से सेल होकर मंडी डब वाली से खरीदी गई है, आगे महाराष्ट्र जा रही है। क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। जैसा रेट लगाओगे वैसा आपको मूल्य मिल जाएगा, जैसा पशु चाहिए वैसा रेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर क्रॉस गाय खरीदनी है सस्ता, अगर ब्रीडेड गाय खरीदनी है तो महंगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, कितने रेट और कितनी दूध वाली आपने यहाँ से गाय लेनी है। ये गाय कौन से ब्यांत में जी? ये दूसरे में सर। और क्या बने जाएगी? ये गाबना सर। कितने दिन ले जाएगी ये सर? हफ्ता 8 दिन ले जाएगी। और क्या दूध देगी जी? दूध 25+ देगी सर। रेट जी? ये कम 70 में लिए सर, 69,000 में। हाँ जी हाँ जी। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, जे गाय भी ज्ञापन है, गाय की क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने है। 69,000 गाय का रेट है, 69,000 से गाय यहाँ पे सेल होकर डब वाली से आउट ऑफ द स्टेट जा रही है। और 25 लीटर से प्लस दूध करेगी, 25 कर जाए, 26 कर जाए, 27 कर जाए, वो डिपेंड करता है कि गाय की आप केयर कैसे कर रहे हो, गाय को फीड कैसे दे रहे हो, गाय का रख रखाव कैसे कर रहे हो। अगर रख रखाव बढ़िया होगा तो दूध बढ़िया निकाल देगी, अगर केयर कम होगी तो 25 लीटर की बजाय 20 लीटर पे भी ये गाय रह जाएगी। ये गाय कौन से ब्यांत में जी? ये भी दूसरे में सर। ये भी गाबन है? ये भी गाबन है सर। कितने दिन ले जाएगी ये सर? 15 रोज ले जाएगी। दूध क्या देगी जी? दूध जिससे लिया सर वो तो 32 लीटर बोलते हैं। आप कितने की गारंटी लेते हो? हम इसको 26-27 लीटर की गारंटी पे गाय देती है। रेट यानी दूध तो 30+ ही करेगी।
26 की गारंटी है। हाँ 26 की गारंटी में दी है, तो रेट दिया 80 और 5 में 85,000 में। चलाओ जी, 30 प्लस दूध करेगी जी, लेकिन जो गारंटी ली जा रही है वो 26 लीटर दूध की ली जा रही है। 26 लीटर दूध एक दिन का, दो टाइम का, एक दिन का दूध 26 लीटर कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। और 85,000 में गायें सेल हुई है। गायें की क्वालिटी देख सकते हो, हैवी क्वालिटी की गायें हैं, बड़ी गायें हैं, तो इतना दूध बड़ी आसानी से निकाल देगी, 30 से प्लस कर जाएगी। 85,000 में यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र जा रही है। क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। इस गाय का बैकग्राउंड बता दो जी, ये वाली गाय का कौन से ब्याह की गाय है? ये तीसरे में जनेगी सर अभी। और कितने दिन ले जाएगी ये सर? अभी 20 दिन बाकी है इसके। दूध क्या देगी जी? दूध 30 प्लस देगी सर। और रेट? रेट सर ये लिया 2.80 में। 78,000 में। हाँ जी, हाँ जी। चलाओ जी, बहुत ज्यादा बनाएगी। तो किसान भाइयों, जे गाय तीसरे ब्याह की है, ज्ञापन गाय है, अभी 30 लीटर प्लस दूध करेगी तीसरे ब्यांत में। 78,000 में से गाय यहां से सेल हुई है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। इस गाय का रेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। 30 लीटर दूध तीसरा ब्यांत। इस गाय का भी बैकग्राउंड बता दो जी, क्या बैकग्राउंड की गाय है ये सर? फर्स्ट में यह दो ना था मुझे। ठीक है, कितना दूध निकाल देगी पहलवान? पहलवान निकाल देगी सर ये 22 लीटर दूध। 22 लीटर गारंटी के साथ? गारंटी के साथ सर। रेट जी? अभी कच्ची है ये 12-13 रोज की। ठीक है जी। हाँ जी। और रेट? रेट सर ये 65 की ली है। 65,000 में। हाँ जी। चलाओ जी, तो किसान भाइयों पहले ब्यांत में बछड़ी है 65,000 में ली है, 22 लीटर दूध निकालेगी। गाय की क्वालिटी देख सकते हो, 22 लीटर दूध पहले ब्यांत में दांतों में है अभी। और रेट आपको बता दिया, क्वालिटी इस गाय की भी आप देख सकते हो। ये सभी गायें हैं जो मंडी डव वाली से खरीदी गई है और मंडी डव वाली से महाराष्ट्र के लिए जा रही है। आपको पता है मंडी डव वाली ऐसी मंडी है जो कि पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर पे लगती है, पूरी इंडिया को पशु सप्लाई करती है, ऑल इंडिया, पैन इंडिया को, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ से ग्राहक आते हैं, पशु लेकर जाते हैं। ये गाय कौन सी ब्यांत की है जी? ये दूसरे में जनेगी सर अभी। और कितना दूध निकाल देगी? दूध 25 लीटर प्लस, अभी इसके 10 रोज पे है जानने में। ठीक है, ते मिली भी सर बड़े रेट में, रेट से ली है। क्या रेट में ली है जी? 60,300 की, 63,000 की। ठीक है जी, चलाओ। तो किसान भाइयों 6,300 में गाय सेल हुई है। यहाँ से गाय की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। हर तरह का रेट और हर तरह की क्वालिटी मिल जाती है, डिपेंड करता है कैसा पशु ले रहे हो। महंगा पशु ले रहे हो ज़्यादा दूध निकलेगा, रेट भी ज़्यादा लगेगा। सस्ता पशु ले रहे हो क्रॉस मिलेगा, कम दूध निकलेगा और रेट भी कम मिलेगा, जो डिपेंड करता है आपके बजट पे। बाकी चलती चलती वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग पशुओं की वीडियो शेयर करते रहते हैं। हर तरह का रेट, हर तरह की पशु हम आपको दिखाते रहते हैं।